Good morning and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashen. स्वागत है आप सबका आज की ताजा खबर में। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करते हैं आज की ताजा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहली न्यूज जो वर्ल्ड इकोनॉमी में है तो वो है अबाउट टैरिफ हाइक्स के बारे में। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो प्रेसिडेंट बाइडेन उन्होंने स्टीप टैरिफ हाइक्स लाए हैं ऑन चाइनीज गुड्स इंपोर्टेड इंटू यूएस। उस पे अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है तो ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स कंप्यूटर चिप्स मेडिकल प्रोडक्ट्स। अगर आपको टैरिफ रेट्स बताओ कि कितने से कहाँ तक उन्होंने बढ़ाए हैं तो एग्जांपल सर कि ईवी में 25% से 25% रेट था तो वो 100% तक लेके गए हैं। लिथियम आयन ईवी बैटरीज एंड जो अदर बैटरी प्रोडक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे 7.5% था तो वो अब 25% तक लेके लेकर गए हैं। देन फोटोवोल्टिक सेल्स लाइक अदर सोलर रिलेटेड जो आइटम्स है तो दे हैव डबल्ड इट ना फ्रॉम 25% टू 50%। देन ऑल्सो दे हैव डबल्ड द टैरिफ्स ऑन सेमीकंडक्टर्स टू 50%। एंड इसके अलावा उनका मतलब ये भी कहना पड़ा कि 2025 2026 में और टैरिफ हाइक्स में भी आ सकते हैं ऑन सेमीकंडक्टर्स। देन जो लिथियम आयन बैटरीज विच आर नॉट यूज इन ईवीज अदर ग्रेफाइट मैग्नेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स रबर मेडिकल एंड सर्जिकल ग्लोव्स। अब ये तो हुआ यूएस के बारे में। तो चाइना का इस पर क्या रिएक्शन रहा? तो चाइना इज अगेन नाउ इन अ डिफेंडिंग मोड। तो उनका ये कहना है कि ये टैरिफ हाइक्स आप कैंसिल ही कर दो बिकॉज उनका इंटरेस्ट है इन एक्सपोर्टिंग टू यूएस। एंड आई थिंक मोर देन $400 बिलियन का ट्रेड होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चाइना का इंटरेस्ट है। न्यूज ये भी आ रही है कि अगर चाइना इज ऑल्सो लाइक वार्निंग कि अगर ये कैंसिल नहीं किया तो देन रिलेशंस पे इम्पैक्ट आ सकता है। सो एक सिनारियो अगेन जो 2018 2019 में आई थिंक ट्रेड वॉर जैसा बना था तो सिमिलर एक सिनारियो यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है। अब देखना पड़ेगा कि आगे कैसे सिचुएशन बढ़ती है। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूएस फेड के चेयरमैन पॉवेल सर के बारे में। तो एक लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि ही इज एक्सपेक्टिंग कि थ्रू आउट द ईयर 2024 ही इज एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन टू कूल डाउन। एक स्लाइड दिख सकता है स्लाइड डाउन दिख सकता है इन्फ्लेशन में सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन 2023। बट यहाँ पे ऐसे होने का कॉन्फिडेंस उनका जो है तो वो काफी लो है क्योंकि एक सडन जो अनएक्सपेक्टेड प्राइस राइज दिखा था इन द फर्स्ट क्वार्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर स्पेशली तो उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है। एंड इसके अलावा अगेन सिमिलर जो उन्होंने कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट होल्ड करके रखेंगे टिल द टाइम जो इन्फ्लेशन है तो वो उनके रेंज जो रेंज है यूएस फेड की तो उस रेंज में नहीं आ जाते हैं स्टेबलाइज नहीं हो जाता वहां पे। सो दिस इज व्हाट ही हैज अगेन रिइटरेटेड। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में सबसे पहली न्यूज है अबाउट WPI इन्फ्लेशन के बारे में। तो इंडिया का जो WPI बेस्ड इन्फ्लेशन है तो यहाँ पे एक्सेलरेट कर चुका है टू 1.26% इन अप्रैल ऑन अ वाईवाई बेसिस। जबकि मंथ ऑन मंथ अगर हमने नंबर देखे तो 0.79% ये नंबर है। अब ये जो नंबर बड़ा है इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इंक्रीज दिखा है इन द प्राइजेस ऑफ फूड आर्टिकल्स इलेक्ट्रिसिटी जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है देन इवन जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो आइटम्स है उसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज दिखा है। इन्फ्लेशन इन फूड आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7.74% का इंक्रीज दिखा है इन अप्रैल एज कम्पेयर टू 6.88% इन मार्च। वेजिटेबल्स के केस में अगर हम बात करें तो 23.6% का इंक्रीज दिखा है ना। ये तो साइक्लिकल होते हैं कभी बेस इफेक्ट की वजह से यहाँ इतना ज्यादा नंबर कभी कभार दिखता है। तो 23.6% का यहाँ पे इंक्रीज दिखा है एज कम्पेयर टू 19.52% इन मार्च। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज है अबाउट ओवरऑल जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है तो उसके रिलेटेड है। तो ये हर मंथ जो GIC है तो हर मंथ ये डेटा देते हैं। तो अभी जैसे न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल मंथ का यहाँ पे डेटा आया है तो ओवरऑल जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है तो वो ग्रो हुई है एट 15.86% ऑन अ वाईवाई बेसिस। सो अप्रैल मंथ
अप्रैल 2024 कंपेयर टू अप्रैल 2023, तो यहाँ पे 15.86% की ग्रोथ आई है। एंड टोटल प्रीमियम जो मतलब अमाउंट जो है, तो वो है नाउ दैट अमाउंट स्टैंड्स एट 29,678 करोड़ रुपीज। अब ये जो ओवरऑल नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स। प्राइमरली दो ही मेजर है, जनरल इंश्योरेंस एक है, देन साहिज आर देयर। साहिज इज स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड ही काम करते हैं, जैसे कि स्टार हेल्थ, विच ओनली ऑफर्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। देन देर आर सर्टन स्पेशलाइज्ड कंपनीज। तो अब यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो। तो अब जनरल मतलब जो लिस्टेड जनरल इंश्योरेंस प्लेयर्स है, जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, तो उसने ग्रो किया है 22.65%। न्यू इंडिया एश्योरेंस हैज लैक, तो 3.93% की ही यहाँ पे ग्रोथ आई है। स्टार हेल्थ इज अगेन बैक विद इट्स ग्रोथ, 23% की यहाँ पे ग्रोथ आई है, एंड ग्रोथ इज अबाउट द इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री एवरेज। गो डिजिट की ग्रोथ स्लो हुई है, 7.96% की ग्रोथ आई है। नाउ इनका आईपीओ आ रहा है आज से, आई थिंक चालू होगा इनका आईपीओ। एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो, आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो, आई थिंक वो आज ही लाइव हो जाएगा। तो वहां पे इनकी ग्रोथ, गो डिजिट की ग्रोथ इज नॉर्थ ऑफ 30% इन द पास्ट, बट दिस ग्रोथ इज लिटिल बिट स्लो, राइट? तो देखना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट इस पे बोलता है। साहिज के बारे में ओवरऑल अगर साहि का ग्रोथ देखे, अगर टोटल दैट इज स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस की टोटल ग्रोथ देखे, तो 26.8% की यहाँ पे ग्रोथ है। जनरल इंश्योरेंस टोटल की ग्रोथ देखें तो 15.86, जैसे कि मैंने कहा ओवरऑल जो नॉन लाइफ हैज ग्रोन एट 15.86%। अनलिस्टेड स्पेस में जैसे कि बजाज अलियांस हैज ग्रोन बाय 45%, एचडीएफसी अर्गो हैज ग्रोन बाय 20%, एंड एसबीआई जनरल हैज ग्रोन बाय 45% अगेन। इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, मार्केट शेयर के टर्म्स में अगर हम बात करें, तो लोम्बार्ड हैज गेन 63 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट शेयर। न्यू इंडिया एश्योरेंस हैज लॉस्ट मार्केट शेयर बाय 2%। गो डिजिट हैज अगेन लॉस्ट मार्केट शेयर बाय 22 बेसिस पॉइंट, बिकॉज ग्रोथ इज वेरी 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 लो। स्टार हेल्थ ओवरऑल बेसिस पे उन्होंने 21 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट शेयर गेन किया है, बट इन दी साही सेगमेंट दे हैव लॉस्ट 1.16% का मार्केट शेयर। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन में रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सीमेंस का रिजल्ट आया है। ओवरऑल अगर हम इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें, तो वो बढ़ा है बाय 18.6% से ऑन अ वाईवाई बेसिस टू 5,681 CR। रेवेन्यू जो है तो प्राइमरी दैट इज ड्रिवन बाय टू की डिविजन्स, नेमली दिस स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट एंड मोबिलिटी सेगमेंट, जहाँ पे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में 25% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर हुआ है, एंड मोबिलिटी में 55% वाईवाई बेसिस पे। पैट जो है तो वो बढ़ा है बाय 70% ईयर ऑन ईयर, दो यहाँ पे वन ऑफ्स है कुछ, जैसे कि देर इज 192 करोड़ रुपीज ऑफ गेन फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टीज। एंड इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो ग्रोथ आई है इन दी ओवरऑल ऑपरेशंस, तो वो इसलिए भी आई है बिकॉज देर आर वॉल्यूम एंड प्राइस इफेक्ट्स ऑल्सो ऑल्सो लेड बाय प्रोडक्टिविटी गेन्स, राइट? उसके अलावा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो बढ़ा है बाय 1% टू 31.6%। एंड यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट जो है इनकी, तो वो डिक्लाइन हुई है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड इसके चलते एबिटडा मार्जिन्स हैव गॉन अप। एंड इसके बाद मैनेजमेंट का यही यही कहना है कि आगे जाके जो करंट लेवल ऑफ मार्जिन है, दे विल ट्राई एंड सस्टेन दोस। इसके बाद ओवरऑल इकोनॉमी एंड ओवरऑल इंडस्ट्री, उनके इंडस्ट्री के रिलेटेड, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के रिलेटेड कमेंट्री मैनेजमेंट ने क्या दी। सो दे आर सेइंग कि एक कंटिन्यूड रोबस्टनेस दिख रहा है इन द ओवरऑल इकोनॉमी, प्राइमरी लेड बाय जो गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है इन द इंफ्रा स्पेस, उसके चलते कैपेसिटी इंक्रीज हो, मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है कंपनीज का, एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे 100% नियर टू 100% तक टच कर रहा है। सो कंपनीज आर ऑल्सो स्केलिंग अप फॉर न्यू कैपेक्स, तो न्यू कैपेक्स आ रहे हैं, तो कैपिटल गुड्स कंपनीज को इवेंचुअली इसका बेनिफिट मिल रहा है। इन्होंने भी एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस किए हैं। सो दे आर सेइंग दे इन्वेस्ट 519 CR टू सेटअप न्यू मेट्रो ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन औरंगाबाद, एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर कैपेसिटी इन देयर गैस इंसुलेटेड स्विच गेयर फैक्ट्री। इन्होंने डी मर्जर भी अनाउंस किया है, जो इनकी जो एनर्जी सेगमेंट है, तो उसको डी मर्ज करेंगे इनटू सेपरेट लीगल एंटिटी, नेमली सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। एंड यहाँ पे रेशियो क्या होगा, तो रेशियो विल बी 1:1, तो 1 शेयर ऑफ सीमेंस विल बी गिवन टू 1, सो 1 शेयर
will be equal to one share of the Siemens Energy India Limited. And यहाँ पे डीमर्ज करने का इंटेंशन मतलब जो रैशनल है तो वो यही दिया है कि ये दो कंपनीज अलग रहे तो ये अच्छा है क्योंकि दे कैन केटर टू देयर कस्टमर्स एंड टू द मार्केट वेल एंड इन अ मोर फोकस्ड अप्रोच। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, इट इज अबाउट भारती एयरटेल। इनके भी रिजल्ट्स आए हैं तो आप अगेन एक टेबल देख सकते हो यहाँ पे। तो टोटल रेवेन्यू जो है इनका तो वो बड़ा है बाय 4.4% ऑन अ वाई बेसिस। अगेन इसके रीजंस मैं आपको आगे बताऊंगा। एबिटडा जो है तो वो अगेन बढ़ा है बाय 4.2%। एबिटडा मार्जिन्स में एक स्लाइट डिक्लाइन दिखा है 0.1% का। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज गॉन अप बाय 4.4% एंड नेट इनकम हैज गॉन डाउन बाय 31%। अब जो रेवेन्यू ग्रोथ है तो वो क्यों इम्पैक्ट हुई है, बिकॉज इनके ऑपरेशन है इन अफ्रीकन रीजन तो वहां पे करेंसी डिवैल्यूएशन दिखा ड्यूरिंग द पीरियड स्पेशली इन द नाइजेरियन नायरा। तो उसकी वजह से अब होता क्या कि कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स में आपको जो लोकल करेंसी है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इन द पेरेंट्स होम करेंसी, तो इसके चलते वहां पे इम्पैक्ट आता है ऑफ डिवैल्यूएशन का। एंड बेसिकली इन्फ्लेशन रिलेटेड जो डिवैल्यूएशन वगैरह होता है इन्फ्लेशन रिलेटेड डिफरेंशियल्स का, तो उसका इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू पे यहाँ पे दिखा है। अब बट अगर इंडियन रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो इंडियन रेवेन्यूज आर ग्रोइंग इन अ डबल डिजिट एट अ डबल डिजिट रेट। तो इंडिया का जो रेवेन्यू है तो वो है 28,513 CR फॉर Q4 FY24 एंड वो बढ़ा है बाय 12.9% से। अब इसको अगर डाइसेक्ट करके समझे तो मोबाइल रेवेन्यूज हैव गॉन अप बाय 13% ड्यू टू इम्प्रूव्ड रियलाइजेशंस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग कस्टमर एडिशंस इन देयर 4G एंड 5G सेगमेंट्स। जो आरपू है तो वो बढ़ा है वो बढ़ा है टू 209 रुपीज नाउ एंड उनका गाइडेंस भी था कि 200+ आई बिलीव उनको लेके जाना था। यही आरपू ईयर ऑन ईयर देखे तो 209 है करेंटली एंड 1 ईयर बैक इट वाज 193, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है ड्रिवन बाय उनका अगेन एज आई सेड कि सस्टेन फोकस ही था टू इंक्रीज द आरपू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वालिटी कस्टमर्स एडिशंस होना एंड मिक्स इंप्रूवमेंट का भी यहाँ पे इम्पैक्ट है। इसके अलावा जो होम बिजनेस है तो वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ आई है, 20% रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हुआ है प्राइमरी ड्रिवन बाय हेल्दी कस्टमर एडिशन, जहाँ पे 331,000 के कस्टमर नेट बेसिस पे यहाँ पे एड हुए हैं। इंडिया का एबिटडा मार्जिन अगर हम देखें तो 56 बेसिस पॉइंट से बड़ा है जबकि ओवरऑल एबिटडा मार्जिन स्लाइटली गॉन डाउन। अगेन जो करेंसी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। मोबाइल डेटा कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25% की ग्रोथ है ऑन अ वाई बेसिस एंड द कंजम्पशन पर कस्टमर नाउ स्टैंड्स एट 22.6 GB पर मंथ। देन अनदर आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो, दिस इज कस्टमर बेस डेटा। तो टोटल कस्टमर बेस हैज गॉन अप बाय 8.4% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड इसको अगर हम डाइसेक्ट करें तो इंडिया में भी ग्रोथ है 8.3% की, अफ्रीका में भी ग्रोथ है 9% की, जबकि जो साउथ एशिया का रीजन है तो वहां पे एक डी ग्रोथ दिखी है ऑफ 5%। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इनके भी रिजल्ट्स आए हैं। सो अगर आप यहाँ पे एक स्लाइड एक टेबल देख सकते हो तो यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है तो वो बड़ा है भाई लगभग 37-38% से ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड नाउ द रन रेट क्वार्टरली रन रेट इज 1,000 करोड़ प्लस फॉर देम। जो क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तो वो स्टेबल रहा है, दो स्लाइट रिडक्शन है बट वी कैन से दिस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज स्टेबल एट 69%। बट एबिट द मार्जिन इज गॉन डाउन फ्रॉम 20% टू 16.6% प्राइमरीली बिकॉज जो एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्रीज दिख रहा है। फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन हैज अगेन गॉन अप स्पेशली डेप्रिसिएशन जो 78 करोड़ से 126 करोड़ तक यहाँ पे पहुंच चुका है। अगेन प्राइमरी ड्यू टू जो स्टोर्स एडिशन यहाँ पे हो रहा है तो इसकी वजह से वो रैंप अप यहाँ पे इनके डेप्रिसिएशन नंबर में दिख रहा है, बिकॉज नाउ अकाउंटिंग हैव चेंज। एक रेंटल टू रेंटल का अकाउंटिंग इज नाउ बीन कंसिडर्ड एज अ एसेट एज अकाउंटेड एज ऑन एसेट साइड ऑल्सो एंड उसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इसके अलावा जो देर इज वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस ऑफ 442 करोड़ एंड इसके अलावा गुडविल इम्पेयरमेंट का भी यहाँ पे इम्पैक्ट है।
तो गुडविल इंपेयरमेंट इज 103 करोड़ रुपीज का, एंड नाइजीरियन डीवैल्यूएशन बिकॉज दे ऑल्सो हैव ऑपरेशन इन अफ्रीका, तो नाइजीरिया का डीवैल्यूएशन, करेंसी डीवैल्यूएशन की वजह से भी यहाँ पे 42 करोड़ का यहाँ पे इम्पैक्ट दिखा है। देन इसके बाद अगर हम टोटल रेवेन्यू जो है इनका उसको डाइसेक्ट करके समझे कि कहाँ से ग्रोथ आई है, तो इंक्लूडिंग थाईलैंड ये जो रेवेन्यू है तो वो 30-35% से बड़ा है। KFC जो है तो वो बड़ा है बाय 11.3%। पिज्जा हट हैज गॉन डाउन एक्चुअली बाय 4.5% से, वेयर एज कोस्टा हैज गॉन अप बाय 36%। देन अनदर आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो, दिस इज अबाउट स्टोर एडिशंस कि कैसे उन्होंने स्टोर्स ऐड किए हैं, दे कॉल इट नेट न्यू यूनिट्स NNU। तो ओवरऑल FY24 में अगर हम बात करें, सो 288 आप जो देख रहे हो दैट इज थाईलैंड एक्विजिशन, 539 टोटल स्टोर्स उन्होंने ऐड किए हैं, जिसमें से अगर इंडिया में देखें 245 उन्होंने ऐड किए हैं, जहाँ पे 106 रिलेट्स टू KFC एंड 66 पिज्जा हट एंड कोस्टा। एंड ओवरऑल एज ऑफ एंड ऑफ FY24 इनके टोटल 1782 स्टोर्स है। ये था ओवरऑल आज की ताजा खबर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।